I am Dr. Arun Kumar Giri, Director of Surgical Oncology, Aakash Healthcare Super Speciality Hospital, Dwarka, New Delhi. मैं आज आपसे कैंसर प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करूंगा. जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल विश्व में करीब 20 मिलियन पीपल जो कैंसर से डायग्नोज होते हैं और जिनमें से 10 मिलियन पर्संस की डेथ हो जाती है. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक तिहाई कैंसर जो मेल्स में होते हैं यानी पुरुषों में होते हैं वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं और लगभग एक तिहाई कैंसर जो फीमेल्स में महिलाओं में होते हैं उनको अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग के द्वारा जल्दी डिटेक्ट करके इजीली ट्रीट किया जा सकता है. जो कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, यूजली चेंज इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट्स, अ सोर दैट इज नॉट हीलिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, hoarseness of voice, nagging cough, and change in moles and warts. इसके अलावा जो risk factor होता है cancer का, old age is one of the common risk factors. लोगों की उम्र जैसे बढ़ती है cancer होने की probability बढ़ती है. अगर किसी को personal या family history है cancer का तो उसमें भी cancer होने की संभावना ज़्यादा होती है. इसके अलावा करीब 10-15% cases genetic होते हैं. यूज ऑफ टोबैको इज वेरी इंपॉर्टेंट. लगभग 25-30% कैंसर हिंदुस्तान में पुरुषों में होने वाला जो कैंसर है वो टोबैको रिलेटेड कैंसर है. यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ टोबैको का यूज कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है. ओवरवेट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी कैंसर को बढ़ाता है. एक्सपोजर टू केमिकल्स और रेडिएशन भी कैंसर को इंक्रीज करते हैं. कैंसर प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड using tobacco and tobacco related products. Eat healthy, eat lighter, eat leaner. बहुत सारे fruits and vegetable diet अपने में अपने को वो करें, अपने diet में include करें. इसके अलावा अपनी physical activity को बढ़ाएं. Alcohol का use ना करें, अगर करते हैं तो उसके quantity को limit करें. अपने आप को vaccinate करें hepatitis B और HPV के against में, जिनसे कि वायरल रिलेटेड कैंसर होने की संभावना होती है. कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, अपनी एक्सरसाइज इनसे ज़्यादा करिए, अपने वेट को रिड्यूस करिए अगर आप ओवरवेट या ओबीज हैं तो. प्रैक्टिस सेफ सेक्स, गेट योर सेल्फ यू नो वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द हेपेटाइटिस एज आई टोल्ड यू अर्लियर. और समय समय पे अपने आप को मेडिकल केयर दीजिए, स्क्रीनिंग कराइए अप्रोप्रिएट एज पे, अपना कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आगे आइए. ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत इजीली काफ़ी सारे कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.